चिल्ड्रन स्वागत है आपका आपके अपने नी क्वांटम क्लासेस चैनल पर। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, टेंथ क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक हम थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आज मेरा विश्वास है कि मैं बहुत सारे वीडियो बना करके आपका ये थियोरेटिकल पोर्शन ख़त्म कर दूँगा आज। और इसके अभी के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टार सीम हायर देन दैट दे एक्चुअली आर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि स्टार बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब स्टार से कोई लाइट, स्टार की लाइट चलती है तो वैक्यूम से आगे चलती है, वैक्यूम से होती हुई अर्थ के एटमोसफियर में आती है। जैसे ही अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करती है तो एक क्रिएशन होता है, क्या ये डेंसिटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जो ऊपर का हिस्सा है एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करता है। जो अर्थ का, अर्थ के ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा है वो डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम की तरह करता है बिहेव। अब ऐसा अगर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो स्टार्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि स्टार्स हायर क्यों दिखाई देते हैं लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं होते और वो टिमटिमाते हैं। इससे संबंधित मैंने वीडियो इससे पहले बना दिया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाट इज द रीजन। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आई होप ये आपको बात समझ आई होगी।